हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 की एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि अप्रोक्सीमेशंस वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कुछ क्वांटिटी होंगी उनकी हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल कर उनको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। वहां से हमारे पास क्या जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी अप्रोक्सीमेट उस फंक्शन की, ठीक है। तो देखो, लेट कर लिया मैंने, एक फंक्शन ले लिया, लेट एफ ले लिया मैंने, क्या डी से लेके आर तक, ठीक है, एफ ले लिया मैंने डी से लेके आर तक, आर क्या सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। और जो डी है ना, वो डी क्या है, सबसेट है किसका, आर का, ठीक है। जो डी है वो क्या है, सबसेट है किसका, आर का, क्लियर। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन देखा है एफ डी से लेके आर तक, और जो डी है वो भी क्या है, आर का क्या है, सबसेट है, ठीक है। अब मैंने लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मैंने क्या ले लिया, फंक्शन लेट करके चल रही, वाई की वैल्यू क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है, ठीक है। डेल्टा x मैंने क्या ले लिया, लेट डेल्टा x मैंने क्या ले लिया, स्मॉल इंक्रीमेंट ले लिया, डेल्टा x डिनोट्स ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, एक्स के अंदर जो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आया ना, उसको किसे डिनोट कर दिया, डेल्टा एक्स से डिनोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद डेल्टा वाई हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट है वाई के अंदर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑफ वाई कोरस्पोंडिंग इंक्रीमेंट ऑफ वाई कोरस्पोंडिंग टू द इंक्रीमेंट ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स के अंदर जितना इंक्रीमेंट आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग वाई के अंदर जो इंक्रीमेंट आएगा, उसको किसे डिनोट कर दिया, डेल्टा वाई से डिनोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, अब जो डेल्टा वाई की जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास, वो क्या आएगी, डेल्टा वाई हमारे पास यानी इंक्रीमेंट ऑफ वाई है ना, इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म याद कर लेना, क्या है कि डेल्टा वाई यानी इंक्रीमेंट ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम डिनोट करेंगे दो तीन तरीकों से, ठीक है। देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, पहला क्या दे रखा है कि जो डिफरेंशियल होएगा वो एक्स का, उसको हम किसे डिनोट करेंगे, डी एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। जो डिफरेंशियल होएगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स, उसको हम किसे डिनोट करेंगे, डी एक्स से, और जो डी एक्स है वो किसके इक्वल होएगा, डेल्टा एक्स के इक्वल होएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल है वाई का, डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ वाई, उसको हम किसे डिनोट करेंगे, डी वाई से, ठीक है। और जो डी वाई है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डैश एक्स के, क्यों, क्योंकि वाई हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स था। तो अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूंगी यानी कि डी वाई करूंगी, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, क्लियर, क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, एफ डैश एक्स इंटू में डी एक्स, क्यों, क्योंकि एक्स के कोरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं हम, क्लियर। और इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई को हम और क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी वाई अपॉन में डी एक्स लिख सकती हूँ, और इंटू में क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इंटू में डी एक्स, डी एक्स हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। तो इंटू में क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ एक्स आ जाएगा, क्लियर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी ऑफ वाई की, डी ऑफ वाई किसकी इक्वल हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बेसिक था, ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस के अंदर हमें ये सब चीजें करनी है, क्लियर। अब देखो हमारे पास जैसे ग्राफिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो किस तरीके से हो जाएगा, ये ले लिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, y डैश, इधर क्या है, x डैश, यहाँ पे क्या है, ओरिजन, इधर क्या है, y, और इधर क्या है, x, ठीक है। देखो यहां से एक कर्व ले ली मैंने, ठीक है, इस तरीके से एक कर्व ले ली, क्लियर। ये जो कर्व है ना,
इसके ऊपर कोई ना कोई टेंजेंट बनेगा, ठीक है। ये इसका क्या ले लिया मैंने, जैसे मान लो ये इसका क्या ले लिया, टेंजेंट ले लिया, थोड़ा सीधा होता है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या ले लिया, इसका टेंजेंट ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब जहां पे ये टेंजेंट क्या कर रहा है, इसको जैसे ये टेंजेंट यहां से था, ठीक है, यहां से इसको टच किया था, तो ये इसके अंदर क्या गया, इसका इंक्रीमेंट आ गया, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा, क्या डेल्टा ऑफ एक्स, एक्स के अंदर जो इंक्रीमेंट आया है वो, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, वाई का हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, वाई का हो गया, ठीक है। और एक्स के अंदर कितना इंक्रीमेंट आया है वो चीज देखो, ये हमारा क्या इंक्रीमेंट है इसका टेंजेंट के अंदर, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, डी वाई है, ये हमारे पास क्या है, डी वाई, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट कितना आया इसके अंदर, इतना आया है, ये वाला इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। तो इस पूरे को किसे डिनोट कर रखा है, डेल्टा ऑफ वाई से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आर है, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट है क्या, पी एक्स कोमा वाई, ठीक है, कोई पॉइंट ले लिया पी एक्स कोमा वाई। तो जो ये वाले कोऑर्डिनेट है, ये वाले कोऑर्डिनेट, ये वाले क्या हो जाएंगे, इधर से क्या आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहां से क्या आएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। तो इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया, क्या एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, एक्स पॉइंट हो गया। उसके बाद जितना इंक्रीमेंट आया है वो पॉइंट ये वाला, इसको क्या नाम दे दिया, इसके बाद क्या नाम दे दिया, इसको क्यों नाम दे दिया, ठीक है। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डी एक्स था, सॉरी ये डी एक्स है, डी एक्स डी वाई है, क्यों एक्स के अंदर इंक्रीमेंट आया, ये जो पूरा है इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा वाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। तो ये देखो, ये जो कर्व थी उसके ऊपर मैंने टेंजेंट लिया, ठीक है। टेंजेंट के अंदर ये जो जितना चेंज आया वो क्या है, डी एक्स है, एक्स के अंदर इंक्रीमेंट आया है, ये जो इंक्रीमेंट आया किसके अंदर है, वाई के अंदर आया है। तो इसको इतने को तो क्या कर दिया, डी वाई, और जो कंप्लीट इंक्रीमेंट आया इसके अंदर, इसको क्या रख दिया, डेल्टा वाई रख दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, आर हो गया। ये जो पॉइंट है वो क्या आएगा, एक्स प्लस डी एक्स आएगा, और वाई प्लस का डी वाई आएगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्यों क्यों हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा, और वाई प्लस डेल्टा वाई आएगा, ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास एक चीज है क्या, कि जो दो कर्व होती है ना, वो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। कब, कि जो टेंजेंट होगा कर्व का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उन दोनों का क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो जो दोनों कर्व होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। ये रिमार्क है, एक लिखवा देती हूँ आपको, क्या टू कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। क्या बोल रहा है, कि जो दो कर्व होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर, कब, इफ जो टेंजेंट होगा कर्व का एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो दोनों कर्व वो क्या कर जाएंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है, 90 डिग्री के ऊपर। आगे समझ में। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या हो जाए, ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो जाए, जो dx है ना वो किसके इक्वल हो जाए, डेल्टा x के इक्वल हो जाए, ठीक है। dx किसके इक्वल हो जाए, डेल्टा x के इक्वल हो जाए, और क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, थोड़ा सा छोटा हो जाए, ठीक है, किसके कंपेयर में, x के कंपेयर में, तो ठीक है। तो जो dy होएगा ना वो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी गुड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी, किसकी, dy हमारे पास क्या हो जाएगी, गुड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी, गुड अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी किसकी, डेल्टा वाई की, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाए, डी एक्स इक्वल टू डी वाई हमारे पास क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास डी वाई उसकी क्या आ जाएगी, गुड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी किसकी, डेल्टा ऑफ वाई की, ठीक है।
उसके बाद देखो अब क्वेश्चंस करवाते हैं, क्वेश्चंस से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन देखो क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। यूज डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेट 236.6। क्या दे रखा है? डिफरेंशियल निकालना है इसका, क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या दे रखे? 236.6 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, डिफरेंशियल का यूज करके। ठीक है, तो देखो मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, रूट एक्स ले लिया। ठीक है, y इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, रूट एक्स ले लिया, एंड x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 36 ले ली। ठीक है, इसके अंदर इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 0.6 का हुआ है, तो डेल्टा x हमारे पास कितना आ गया, 0.6 आ गया। ठीक है, इंक्रीमेंट इसके अंदर कितना हुआ, 0.6 का हुआ, तो डेल्टा x हमारे पास कितना आ गया, 0.6 मैंने लेट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा y हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस का क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स। ठीक है, क्या होता था डेल्टा वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में क्या होता था, रूट एक्स होता था। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता था, डेल्टा वाई होता था। क्लियर, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का क्या होता था, रूट एक्स होता था। ठीक है, देखो डेल्टा वाई हमारे पास क्या होता था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में क्या होता था, रूट ऑफ एक्स होता था। ठीक है, माइनस में क्या होता था, एफ ऑफ एक्स होता था, सॉरी रूट एक्स नहीं, माइनस में क्या होता था, एफ ऑफ एक्स होता था। ठीक है, अब एक्स क्या दे रखा, रूट एक्स दे रखा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा वाई हमारे पास क्या आ गया, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। क्लियर, ये आ गया। अब इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 36, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.6। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कितना हो गया, 36.6 हो गया, माइनस में रूट एक्स, रूट एक्स कितना है, 36। ठीक है, तो माइनस में कितना हो गया, रूट ऑफ 36। क्लियर, ये तो हमारे पास कितना आ गया, 36.6 आ गया, और 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है, तो 6 क्या आ गया, एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 6 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो डेल्टा वाई प्लस में 6 किसके इक्वल आ गया, रूट 36.6 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो डी वाई है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, डेल्टा वाई के इक्वल होता है। ठीक है, जो डी वाई होता है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है किसके, डेल्टा ऑफ वाई के। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अभी। तो डी वाई हमारे पास क्या होता है, डी वाई इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू में क्या होता है, डेल्टा एक्स। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.6 अपॉन में 12, तो ये हमारे पास सोल्व करके कितना आ जाएगा, 0.05, 12×5=60, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.05 आ जाएगा। क्लियर, तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रूट 36.6 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी वो क्या आ जाएगी, 6 प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, तो 6 एज इट इज डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आई है, 0.05, तो हमारे पास क्या आ गया, 6.05। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। क्लियर, कितनी आ गई, 6.05 आ गया समझ में। इस तरीके से करने हैं क्वेश्चन डिफरेंशियल का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट 25 की पावर 1/3। ठीक है, डिफरेंशियल का यूज करके हमें क्या करना है, इसको अप्रोक्सीमेट करना है 25 की पावर 1/3 को। ठीक है, तो देखो अब की बार हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट
वाई मैं किस फॉर्म का लेके चलूंगी, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 की फॉर्म का लेके चलूंगी, ठीक है। जो वैल्यू गिवन होती है ना उसी की फॉर्म का लेके चलना होता है, ठीक है। तो वाई हमारे पास क्या आ गया, एक्स की पावर 1/3 की फॉर्म का आ गया, ठीक है। अब 1/3 की लेट करेंगे, लेट एक्स हमारे पास की मैंने क्या मान लिया, 27 मान लिया, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 27 होगी। और जो डेल्टा एक्स है एंड लेट डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, 27 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स हमारे पास कितना आया, माइनस का 2 आया, ठीक है। अब डेल्टा वाई हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी कि क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या, 25 की पावर 1/3 माइनस में एफ ऑफ एक्स यानी कि 27 की पावर क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा, 27 की पावर 1/3, ठीक है। 25 की पावर 1/3 तो क्या हो गया, एज़ इट इज, माइनस में 27 को मैं कह सकता हूँ 3 का क्यूब, और उसकी पावर क्या है, 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 3 आ गया। तो 25 की पावर 1/3 माइनस में कितना आ गया, 3। ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा वाई आ गया, ठीक है। अब वही उस 3 को इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा वाई प्लस में 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 25 की पावर 1/3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो हमें पता है जो डी वाई होता है वो क्या होता है, किसके अप्रोक्सीमेट होता है, डेल्टा वाई के अप्रोक्सीमेट होता है, क्लियर। तो वैल्यू निकालेंगे, तो डी वाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी वाई इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू में क्या होता है, डेल्टा ऑफ एक्स, क्लियर। तो क्या आ जाएगा, वाई हमारे पास क्या था, एक्स की पावर 1/3 था, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। तो डी वाई हमारे पास क्या आ गया, पावर आ गया, तो 1/3 आ गया, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस का 1, ठीक है। तो 1/3 एज इट इज, एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 1/3, 3 माइनस का 1, 2/3 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, एक्स की पावर कितनी आ गई, 2/3, क्लियर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा वाई हमारे पास क्या आ गया, 1/3 एक्स की पावर 2/3, ठीक है। और इनटू में क्या था, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने क्या लेट की थी, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस का 2 थी, तो इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना समझ में आ गया, आगे देखो हमारे पास क्या था, जो वाई था वो हमारे पास क्या था, 1/x की पावर 1/3 था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/3 एक्स की पावर 2/3 और इनटू में माइनस का 2, ठीक है। इसको बात रफ कर देती हूँ अभी, क्या आ जाएगा ये, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ से वाई की पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 एज इट इज, 3 एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 की पावर क्या हो जाएगी, 1/3 और उसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इंटू में माइनस का 2 क्या हो गया, एज इट इज हो गया, ठीक है। तो माइनस का 2 एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वही 27 को मैं क्या लिखूंगी, 3 का क्यूब लिखूंगी, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, और 9 की और 3 की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी, 27। तो माइनस का 2 अपॉन में क्या आ गया, 27, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 0.074, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डी वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, डी ऑफ वाई आ गया, आगे सब समझ में। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे डेल्टा वाई के अंदर, ठीक है। क्या वैल्यू थी हमारे पास, 25 की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या था, 3 प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। तो 3 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 0.074, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 माइनस में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.926, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में, इस तरीके से करने हैं, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो ना, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसकी फाइंड आउट करनी हो, तो एक्स और वाई उसी तरीके के लेट करने हैं। उसके बाद तो सीधा क्या करना है, उसका डेरिवेटिव करना है। पहले तो हमें क्या करनी है, डी वाई की वैल्यू निकालनी है, पहले तो डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर वाई के अंदर लेट करके फिर उसका डी वाई का क्या, वाई का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। वहां से हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है,
यूज डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेट फाइव एफ ऑफ 3.02 वेर एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है 3x² + 5x + 3 का 3 अब क्यूर फंक्शन की वैल्यू क्या दे दी 3x² + 5x + 3 दे दिया ठीक है तो देखो लेट कर लिया एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.02 आ जाएगी ठीक है डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.02 क्यों इसके अंदर इंक्रीमेंट कितना है 0.02 है ठीक है अब देखो एफ ऑफ 3.02 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा यहाँ पे एक्स जगह पे क्या पुट कर देंगे 3.02 पुट कर देंगे ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ठीक है तो क्या आ जाएगा 3 एज इट इज एक्स का स्क्वेयर की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो एक्स प्लस में डेल्टा एक्स का स्क्वेयर प्लस का 5 एज इट इज एक्स प्लस में डेल्टा एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है अब हमें पता है डेल्टा वाई जो होता है किसके इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में क्या होता है एफ ऑफ एक्स की इक्वल होता है क्लियर तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर आके ऐड हो जाएगा ठीक है तो एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी डेल्टा वाई प्लस में एफ ऑफ एक्स ठीक है इस साइड आके क्या हो गया ऐड हो गया डेल्टा वाई प्लस में क्या हो गया एफ ऑफ एक्स हो गया क्लियर अब हम क्या करेंगे डेल्टा वाई की वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है डेल्टा वाई हमारे पास क्या होता है डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है जो डी एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है डेल्टा एक्स के इक्वल होता है ठीक है तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी एफ ऑफ वाई सॉरी एफ ऑफ एक्स तो एज इट इज जो डेल्टा वाई है वो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव करके क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू में क्या हो जाएगा डेल्टा ऑफ एक्स हो जाएगा ठीक है एफ डैश एक्स इंटू में क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि वाई हमारे पास क्या होता है वाई क्या होता है एफ ऑफ एक्स की इक्वल होता है इसका डेरिवेटिव करेंगे डी वाई क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स आ जाएगा इंटू में क्या आ जाएगा डी एक्स तो वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी मैंने पुट कर दी ठीक है अब देखो ये चीज आ गई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स की इक्वल आ गया ठीक है तो एफ ऑफ 3.02 हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा अप्रोक्सीमेट किसकी इक्वल आ जाएगा 3x² एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है 3x² प्लस में 5x प्लस में 3 ठीक है प्लस में एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा और 5x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा प्लस में 5 और 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 ठीक है ये आ गया 6x प्लस का 5 और इनटू में क्या हो गया डेल्टा ऑफ एक्स हो गया क्लियर अब देखो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा ये हमारे पास डेल्टा ऑफ एक्स की क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है तो देखो एक्स का स्क्वेयर यानी कि एक्स की वैल्यू क्या थी 3 तो 3 का स्क्वेयर ठीक है प्लस का 5 एज इट इज इंटू में 3 और प्लस का 3 ठीक है प्लस में 6 इंटू 3 प्लस का 5 और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी 0.02 तो इंटू में क्या आ जाएगा 0.02 आ जाएगा ठीक है इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9 9 3 27 तो 27 प्लस का 15 प्लस का 3 कितना हो गया 18 हो गया क्लियर उसके बाद क्या आ जाएगा 6 18 18 और 5 हमारे पास क्या हो गया 23 ठीक है तो हमारे पास ये कितना आ गया 23 आ गया इनटू में क्या था 0.02 ठीक है तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट कितना आ गया ये कितना हो गया 45 हो गया प्लस में इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.046 ठीक है इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे 0.46 बोल लो या फिर 0.46 बोल लो ठीक है तो 0.46 आ गया इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 45.06 ठीक है तो हमारे पास क्या आ गई एफ ऑफ 3.02 जो था उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 45.46 आ गई ठीक है 45.46 ऐड किया है तो ये इसकी क्या आ गई अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई ठीक है इस तरीके से करना था इसमें क्या दे रखा था फंक्शन दे रखा था की बार क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² + 5x + 3 ठीक है मैंने लेट कर लिया कि एक्स की वैल्यू क्या होगी 3 डेल्टा एक्स की इंक्रीमेंट कितना था 0.02 डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी ठीक है उसके बाद क्या किया एफ ऑफ 0.32 की वैल्यू निकाली एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मतलब एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दिया ठीक है उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके क्या कर लिया आंसर निकाल दिया आगे समझ में हर टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगी मैं आपको ठीक है लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है
क्वेश्चन देखो क्या दर का लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, जो स्फीयर है स्फीयर की रेडियस कितनी रखी है 9 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, व्हेन विद एन एरर ऑफ 0.03, इसके अंदर एरर आ रहा है कितना 0.03 सेंटीमीटर का, ठीक है, देन फाइंड अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। अब इसने क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है और एरर दे रखा है रेडियस के अंदर कितना 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्फीयर की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, उस वॉल्यूम के अंदर जितना एरर आया ना वो वॉल्यूम के अंदर कितना एरर आया है, क्लियर। तो देखो मैंने लेट कर लिया, लेट आर मैंने क्या ले ली, आर बी द रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर, आर मैंने क्या ले ली, रेडियस ऑफ स्फीयर ले ली, और डेल्टा आर इसके अंदर क्या ले लिया, एरर ले लिया, ठीक है, डेल्टा आर इसके अंदर क्या ले लिया, एरर ले लिया, इसकी रेडियस के अंदर जो एरर आया है वो, ठीक है। तो आर हमारे पास कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर होगी, और डेल्टा आर हमारे पास कितना हो गया, 0.03 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब जो वॉल्यूम है हमारे पास स्फीयर की, वो हमारे पास क्या, वी इज इक्वल टू क्या, 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, डीवी अपॉन में डीआर करेंगे, 4/3 π, तो एज इट इज आर क्यूब का डेरिवेटिव होगा, आर क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 3r², ठीक है। तो इस 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, 4πr², ठीक है। तो डीवी अपॉन में डीआर हमारे पास कितना आ गया, 4πr² आ गया, क्लियर। अब हमें पता है जो डीवी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डीवी हमारे पास क्या आ जाएगा, डीवी अपॉन में डीआर और इंटू में क्या होता है, डेल्टा आर होता है, ठीक है। आगे समझ में, जैसे डीवाई होता था, डीवाई हमारे पास क्या होता था, डीवाई अपॉन में डीएक्स और इंटू में क्या होता था, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डीवी क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन में डीआर और इंटू में क्या हो जाएगा, डेल्टा आर, की बार रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो डीवी अपॉन में डीआर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 4πr², तो यहाँ पे क्या आ गया, 4πr² इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर हमारे पास क्या था, 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 9 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 4π एज इट इज 9² इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.03, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9² क्या होता है, 81, तो 4π × 81 इंटू कितना आ गया, 0.03 आ गया, ठीक है। तो ये 81 के फोर्थ मल्टीप्लाई में 4 × 832, ठीक है। तो 4 × 832 324π × 0.03, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9.72 πcm³, जो वॉल्यूम होती है वो हमारे पास कितनी किसमें होती है, क्यूब के अंदर होती है, ठीक है। तो जो अप्रोक्सीमेट एरर आया है, अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम वो हमारे पास कितना है, 9.72 πcm³, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, इसकी वॉल्यूम के अंदर एरर आया, ठीक है। आगे समझ में, स्फीयर की रेडियस दे रखी थी, रेडियस के अंदर जितना एरर आया था वो दे रखा था, हमें क्या करना था, स्फीयर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी थी और उस वॉल्यूम के अंदर जितना एरर आया है वो फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें पता है 4/3 πr³ होती है, ठीक है। उसका डेरिवेटिव कर दिया आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में इसलिए किया क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में एरर बताना था, ठीक है। तो उसके बाद वैल्यू पुट कर दी, सारी आर की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, उसके वॉल्यूम के अंदर क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.4 थी। अब लास्ट एक्सरसाइज रहेगी 6.5, वो मैं आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और बच्चों तक भी पहुंच सके ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू।